हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से कर रहे होंगे फॉर ACC 131 एंड ACC 132 के लिए। तो आज अपनी वीडियो को हम लोग ला पहुँचाए हैं ह्यूमनिटीज़ ACC 130 के पेपर के ऊपर। ह्यूमनिटीज सेक्शन का पेपर हम लोग इसमें डिस्कशन करेंगे। अब वो डिस्कशन ऐसे नहीं होगा जो MCQ वीडियोज़ का हम लोग करते हैं, वो डिटेल सोल्यूशन होगा। जो डिटेल सोल्यूशन हम लोग इसमें करेंगे, उसमें हम लोग ये भी देखेंगे कि अगर ये फ्यूचर में भी आपके ACC एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो कैसे क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। वीडियो बहुत मज़ेदार होगी, आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा। ये इसका पार्ट फर्स्ट है, पार्ट सेकंड भी आएगा। दिस वीडियो इज़ प्रेजेंटेड बाई ACC डिफेंस अकेडमी। एंड ये वीडियो ऐसा पूरे यूट्यूब पे ह्यूमनिटीज सेक्शन का डिटेल सोल्यूशन नहीं मिलेगा, बहुत मज़ा आने वाला है। वीडियो पूरी जरूर देखेगा। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। देखिए, सबको पता है कि जब ACC का एग्ज़ाम होता है तो ह्यूमनिटीज सेक्शन लास्ट पार्ट में होता है, ठीक। तो इसमें क्वेश्चन 126 का दिया हुआ है, बृहदेश्वर टेम्पल इज लोकेटेड इन विच स्टेट? बृहदेश्वर टेम्पल कहाँ पे लोकेटेड है? बृहदेश्वर टेम्पल लोकेटेड है कहाँ पे? तमिलनाडु में, ठीक है। इसका एक चीज़ और देखते हैं हम लोग, इसमें क्या है। देखो, बृहदेश्वर टेम्पल का ये जो इमेज है ना, ये है पूरा बृहदेश्वर टेम्पल जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। शॉर्ट में इसको TN भी कहते हैं, द बृहदेश्वर टेम्पल एट तंजावुर, तमिलनाडु के तंजावुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और ये बनवाया किसने था? राजा राजा फर्स्ट ने। राजा राजा फर्स्ट ने 1009 CE को बनवाया था फॉर वर्शिपिंग लॉर्ड शिवा। और ये जो मंदिर डेडिकेटेड था, किस भगवान को डेडिकेटेड था? भगवान शंकर को डेडिकेटेड था। आप एक चीज़ में और ध्यान रखिएगा, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं बृहदेश्वर टेम्पल किस भगवान को डेडिकेटेड था, तो भगवान शंकर को डेडिकेटेड था। जो साउथ में जितने भी मंदिर बने हैं वो बेसिकली दो गॉड के ऊपर ही बनाए गए हैं। पहला है तो भगवान शंकर होंगे, दूसरा भगवान विष्णु जी होंगे, ठीक है। मेनी ऑफ हिज अचीवमेंट्स आर इंस्क्राइब्ड हियर। और ये मंदिर तो बनवाया गया, भगवान शिव को समर्पित किया गया, लेकिन साथ ही इसमें जो चोल जो राज राजा फर्स्ट थे उनकी जो विजय गाथाएं हैं उसको भी इन्होंने मेंशन किया हुआ है। मेनी ऑफ हिज इंस्क्राइब्ड है, इट इज़ बेस्ट एग्जांपल ऑफ चोला आर्किटेक्चर। चोला आर्किटेक्चर का सबसे बेस्ट एग्जांपल है ये मंदिर, ठीक। अब इसमें क्वेश्चन कैसे पुटअप करेंगे? क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मंदिर किसने बनवाया, कहाँ है, ये तो पूछ लिए। किसने बनवाया ये भी पूछ लिए। ये किस देवी देवता को समर्पित है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये भगवान शिव को समर्पित है। और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इसी में होगा, सच बता रहा हूँ। आप लोग की डिमांड पे ACC 131 एंड 132 का नया बैच स्टार्ट कर दिया गया है। ये अपने आप में कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव बैच है। इस बैच के बाद, ज्वाइन करने के बाद, आपको कहीं कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। ये कंप्लीट वन स्टॉप डेस्टिनेशन है आपकी। इस बैच को ज्वाइन करते हैं, आपको फुल PDF नोट्स मिलेंगे जिसमें वन लाइनर, MCQ, थ्योरी सब कुछ आपको मिलेंगे। उसके बाद 500 से ज़्यादा घंटे की रिकॉर्डेड क्लासेज होंगी, डेली लाइव क्लासेज होती है 9 to 11 PM में, जहाँ पे आप टीचर के साथ इंटरेक्शन करके अपने डाउट को पूछ सकते हैं। पूरे सिलेबस को 2 बार कंप्लीट कराया जाता है हमारे के यहाँ। वीकली टेस्ट होंगे और सॉल्व PYQ भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। जो बच्चे अभी हमारे इस बैच को ज्वाइन करते हैं उनको 30% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जाएगा महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में। तो 8120745966 पर व्हाट्सएप करके आप इस हमारे बैच से जुड़ सकते हैं। और अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप डायरेक्ट अपने टीचर, सब्जेक्ट टीचर से बात करके अपने सभी डाउट को दूर भी कर सकते हैं। ये हमारा ACC डिफेंस अकेडमी का PDF नोट्स है जो पेड बैच लेने के बाद आपको मिलेंगे। ये लाइव क्लास का स्क्रीनशॉट है, गूगल मीट पे स्क्रीन शेयर करके हम लोग पढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 127 है ये, द टर्सियरी एजुकेशन इंक्लूड। देखो, प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, टर्सियरी एजुकेशन, तो इसमें टर्सियरी एजुकेशन ये बेसिकली इकोनॉमिक्स का सवाल है, ठीक। ऐसा सवाल जनरली ऐसा पूछते नहीं है। आपके इकोनॉमिक सवाल का फिक्स फॉर्मेट है, वो टैक्स से क्वेश्चन पूछेंगे, वो 5-year plan से क्वेश्चन पूछेंगे, वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेंगे, वो बैंकिंग रिलेटेड टर्म से क्वेश्चन पूछ लेंगे, बट इन्होंने टर्सियरी एजुकेशन पूछा है। देखिए, भारत में टर्सियरी एजुकेशन को हायर एजुकेशन भी माना जाता है, ठीक है, जिसको लोग पोस्ट सेकेंडरी या हायर एजुकेशन कहते हैं। तो हायर एजुकेशन देखिए कहाँ पे, ऑप्शन डी गलत, ऑप्शन सी गलत, ऑप्शन ए गलत, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। हायर एजुकेशन और वोकेशनल एजुकेशन, जो
होता नहीं कि टूर वूर पर ले जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड अ वोकेशनल एजुकेशन। वहाँ पर टूर में ले जाके उनको टीम वर्क सिखाया जाता है, उनको उस जगह के बारे में बताया जाता है फिजिकली। तो ये सब चीज़ें क्या होती है, टर्शियरी एजुकेशन में आती हैं। फिर बात रहती है सेबी। सेबी का फुल फॉर्म पहली बात तो याद रखिएगा, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया वॉज एस्टेब्लिशमेंट एज एन स्टेचुअरी बॉडी इन द ईयर ऑफ, पहले सेबी बिल्डिंग देख लीजिए। सेबी का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए और सेबी की दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। सेबी की जो पहली बात, इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर क्या है वो देख लेते हैं। सेबी जो एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 30 जनवरी, 30 जनवरी 1992 को एस्टेब्लिशमेंट की गई थी सेबी की। मतलब ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, ठीक। ये तो क्लियर हुआ, ये तो क्वेश्चन का आंसर। एडिशनल इन्फॉर्मेशन इसमें क्या है, आप इनके चीफ का नाम याद रख लीजिए। पहली बात तो हेडक्वार्टर कहाँ पे है सेबी का, ये है मुंबई में। हेडक्वार्टर भी आपके पूछे जा सकते हैं। चीफ कौन है, मतलब चेयरमैन कौन है इनके, इनके जो चेयरमैन है, इनके जो चीफ हैं मधाबी पूरी बुच, याद रखिएगा ये नाम आपको पता होना चाहिए। ये सेबी की चीफ हैं। इस समय वुमेन को बहुत ज़्यादा टॉप पोजीशन पे बैठाया जा रहा है, जिससे वो वुमेन एम्पावरमेंट का भी एक एग्जांपल सेट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू न्यूक्लियर पोर्टफोलियो, मतलब जो न्यूक्लियर चीज़ों से रिलेटेड नहीं है। देखो पहला ये वाला गलत लिखा है, क्यों, SEATO होता है ना कि CEATO होता है। साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का फुल फॉर्म होता है, बट यहाँ पे ये चीज़ गलत लिखी थी, ये तो ऑप्शन पहले ही गलत हो गया। CTBT क्या होता है, CTBT का मतलब होता है, न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, CTBT मतलब ये होता है, ठीक है। NPT क्या होता है, NPT का मतलब होता है नॉन प्रोलीफरेशन ट्रीटी, नॉन प्रोलीफरेशन ट्रीटी, ये भी न्यूक्लियर से रिलेटेड है, ठीक। मतलब इसमें ये होता है कि आप न्यूक्लियर वेपन कम करिए, कम से कम उसको बनाइए। तो देखो पूछ रहा है कौन सा न्यूक्लियस कनेक्टेड नहीं है, तो देखो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, सी है, डी है। ऑप्शन बी नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इज द राइट आंसर, बिकॉज नाटो इज नॉट अ न्यूक्लियर पैक्ट, इट इज़ ए मिलिट्री पैक्ट। कि नाटो के कंट्रीज के जो भी सदस्य होंगे वो एक दूसरे की सीमा प्रोटेक्ट करेंगे, एक दूसरे के बाहरी युद्ध से भी प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है। तो आपको समझ में आया ना नाटो क्या है, नाटो इट इज़ नॉट अ मिलिट्री पैक्ट, इट इज़ ए मिलिट्री पैक्ट, नॉट अ न्यूक्लियर पैक्ट। चलिए, द टेम्पल ऑफ खजुराहो वॉज बिल्ट बाई, खजुराहो का टेम्पल किसके द्वारा बनाया गया था, तो इसका जो ऑप्शन होगा 129 का बी होगा, याद रखिएगा। खजुराहो का टेम्पल किसने बनाया था ये देखते हैं। खजुराहो का टेम्पल ये है, देख रहे हैं कितना बढ़िया और कितना विशाल बनाया गया है। खजुराहो टेम्पल जो बनाया गया था 885 CE के द्वारा, 1000 CE के द्वारा बनाया गया था, चंदेला डायनेस्टी के द्वारा। चंदेला डायनेस्टी, इतना खूबसूरत मंदिर बनाया गया था। पहले के जो मंदिर निर्माण होते थे ना बहुत खूबसूरत थे, आप देखिए इसकी इसकी कला देखिए पहले कितनी अच्छी बनाई गई है। और ये खजुराहो का जो टेम्पल है वो मध्य प्रदेश में है, याद रखिएगा, चंदेल्स ने बनाया था, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, ठीक। चलिए, द वर्साव पैक्ट वॉज लेड बाई, वर्साव की संधि क्या है। देखो वर्साव की संधि ना, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के द्वारा आपको समझा, ये है पूरा मैप। तो वर्षाओं की संधि, जैसे आप एक चीज़ देखो यहाँ पे, नाटो का आपने नाम सुना होगा, नाटो लेड बाय यूएसए, एंड उसी प्रकार वर्षाओं पैक्ट लेड बाय यूएसएसआर। ये नाटो का जवाब था, नाटो का जवाब कैसे था, नाटो में अमेरिका बहुत सारे देशों की गुटबंदी करके ग्रुप बनाया गया था। इसी प्रकार वर्षाओं पैक्ट फॉर्मली ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप कॉरपोरेशन एंड म्यूचुअल असिस्टेंट वॉज अ कलेक्शन डिफेंस ट्रीटी, जैसे वो था मिलिट्री ट्रीटी, ये भी था डिफेंस ट्रीटी था। साइंड इन वर्सा पोलैंड में साइन किया गया था बिटवीन द सोवियत यूनियन एंड सेवन अदर ईस्टर्न ब्लॉक सोशलिस्ट रिपब्लिक सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप इन द मे 1955, ठीक है। ये नाटो का जवाब था अमेरिका को यूएसएसआर की तरफ से। तो इसका जो
क्वेश्चन का आंसर होगा सोवियत यूनियन लेट किया गया था वर्सा पैक्ट के द्वारा। द लोएस्ट टेम्परेचर ऑफ एयर रिकॉर्डेड, लोएस्ट टेम्परेचर कहाँ रिकॉर्ड, कब रिकॉर्ड किया था, जस्ट बिफोर सनराइज। लोएस्ट टेम्परेचर इज ऑफ एयर रिकॉर्डेड एट जहाँ पे आपके यूनिट पे आप लोग पोस्टेड हैं वहाँ पे आप लोग को नेटवर्क का इश्यू होता है, तो एसीसी डिफेंस एकेडमी द्वारा इसका भी समाधान निकाल लिया गया कि आपकी पढ़ाई नेटवर्क के कारण न रुके, ये फुल नोट्स आपको प्रिंट फॉर्म में आपके यूनिट एड्रेस पे या आपके डोर स्टेप डिलीवरी तक हम लोग कुरियर करवाएंगे। 8120745960 व्हाट्सअप करके इन बुकलेट्स को आप ऑर्डर कर सकते हैं, जिनको आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ के रिविज़न करके जो फुली अपडेटेड लेटेस्ट ट्रेंड एंड पैटर्न के हिसाब से आपके तैयार की गई हैं विद अपडेटेड सिलेबस के साथ, जिसमें थ्योरी है, एमसीक्यू है, मॉक टेस्ट भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो इस नंबर पर व्हाट्सअप करके आप इन बुकलेट्स को ऑर्डर कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। ये हमारा एसएससी डिफेंस एकेडमी का ऐप है, गूगल प्ले स्टोर पर इसको इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद आपको YLC SSB 131 के सभी मटेरियल, नोट्स, PDF सब कुछ आपको इन्हीं ऐप में मिलेंगे, तो इस नंबर पर व्हाट्सअप करके जुड़ सकते हैं। ये हमारा एसएससी डिफेंस एकेडमी का यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जहाँ पे आपको कोई भी इम्पॉर्टेंट अपडेट हो, कोई भी इम्पॉर्टेंट वीडियो हो, सब कुछ आपको सबसे पहले मिलेंगे। तो बेल आइकन ऑन कर लीजिए यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करने के बाद। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो शेयर करिए, और पार्ट 2 इसका बहुत जल्द आने वाला है, उसको भी जरूर देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड विद अस।